हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमा फेजी केस क्या होता है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी ना कभी आपने न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में इस टर्म को जरूर सुना होगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइमा फेजी केस होता क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जब आप प्राइमा फेजी केस की बात करते हो तो इसके रूट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे लैटिन, है ना। तो ये एक लैटिन एक्सप्रेशन है जिसका कि मतलब होता है एट फर्स्ट साइट, है ना, दैट मीन्स कि पहली नज़र में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए लेट्स से कोई भी एक पर्सन है ए, मान लीजिए उसने क्या किया कि किसी इंडिविजुअल के खिलाफ में या फिर किसी कंपनी के खिलाफ में, किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ में उसने क्या किया कि उसने केस दर्ज करवा दिया। तो जैसे ये मामला कोर्ट में पहुंचता है, तो जैसे कोर्ट में मामला पहुंचेगा, तो ये जब अपना पक्ष रखेगा ये बंदा ए जो है, तो उसको कुछ सफिशेंट अमाउंट ऑफ एविडेंस उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो जो एविडेंस है वो सफिशेंट होना चाहिए कि आगे की प्रोसीडिंग जो है, आगे का जो ट्रायल है उसको कमेंस्ड किया जा सके, उसको शुरू किया जा सके, है ना। तो इसको ही आप प्राइमा फेसी केस बेसिकली कहते हो। तो अगर जब कभी भी इस तरीके का कोई मामला कोर्ट तक पहुंचता है, तो अगर प्राइमा फेसी केस है कि नहीं है, उस केस में इसको कैसे देखा जाएगा कि जब वो एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है तो कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि ये एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि आगे की प्रोसीडिंग को शुरू किया जा सके, उसको कंटिन्यू किया जा सके, तो उस केस में क्या किया जा सकता है कि उस पर्टिकुलर केस को वहीं पर बंद भी किया जा सकता है, उसको डिसमिस किया जा सकता है। ये आपने बात याद रखना। अब इसको थ्रू एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्राइमा फेजी बेसिकली होता क्या है। तो एक मान लीजिए एक बंदे की एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई पुलकित है बंदा, तो उस केस में मान लीजिए कि एक एक्सीडेंट होता है और उसकी फिंगर में काफ़ी चोट्स आ जाती है ना, तो उसको काफ़ी क्योंकि इंजरी हो जाती है उसके फिंगर्स में, तो वो क्या करता है कि नियरेस्ट क्लिनिक का वो विज़िट करता है। तो जैसे ही वो नियरेस्ट क्लिनिक का विज़िट करता है, तो वहाँ पे जाने के बाद उसे पता लगता है कि वहाँ पे कुछ नेसेसरी प्राइमरी कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ उसको पूरा करना पड़ता है, आपको कुछ फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, ये वो सब कुछ करने के बाद वहाँ के स्टाफ ने उसको कहा कि आप कुछ समय के लिए यहाँ पे बैठिए, फिर उसके बाद हमारे डॉक्टर्स आएंगे और वो आपको फिर देख लेंगे। तो कुछ समय के बाद जब वापस से डॉक्टर आते हैं, तो उस केस में क्या था कि मिस्टर पुलकित का जो फिंगर था वो लॉस्ट हो चुका है, तो बिल्कुल वो पूरा ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है फिंगर। तो इस केस में बेसिकली होता क्या है कि मिस्टर पुलकित जो थे उनको ये ऐसा लगा कि ये मेरे साथ अनजस्टिफाई हुआ है, इतने लंबे समय तक मुझे बैठाया गया, ये एक अननेसेसरी टाइम पीरियड था, ये इस टाइम वेस्ट था, इतने समय में अगर डॉक्टर पहले आ जाता तो मेरी फिंगर्स बच भी सकती। तो इस केस में इसने क्या किया कि क्योंकि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, उसने क्या किया कि कोर्ट में उन्होंने केस दर्ज करवा दिया इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के खिलाफ, क्लिनिक के खिलाफ, आप ऐसा समझ सकते हो, है ना। तो जैसे ही ये केस फाइल कर देते हैं, तो जैसे ये मामला कोर्ट तक पहुंचेगा, तो अब ये जैसे ये मामला कोर्ट तक पहुंचेगा, तो कोर्ट में मिस्टर पुलकित को यहाँ पे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एविडेंस देना पड़ेगा ताकि आगे की प्रोसीडिंग को शुरू किया जा सके या फिर नहीं किया जा सके, है ना। तो इस केस में आप कह सकते हो यहाँ पे आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी। क्यों कर दी जाएगी? क्योंकि जहाँ पे वो बैठे थे, अगर तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ पे सब कुछ रिकॉर्डिंग हुआ होगा और वहाँ से फिर आपको पता चल जाएगा कि इतने लंबे समय तक जो उनको बैठा के रखा गया था वो अननेसेसरी वेस्टिंग ऑफ टाइम था, है ना। तो इस तरीके से जब इस अपना ये पक्ष रखेंगे मिस्टर पुलकित कोर्ट में, तो ये जो एविडेंस है ये सफिशिएंट होगा, ये सफिशिएंट होगा, और कोर्ट जो है आगे की प्रोसीडिंग के लिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे देगी और आगे का यहाँ पे प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो सकता है ना। तो इसी का आप कह सकते हो कि कोर्ट ने क्या किया कि प्राइमा फेसी केस जो है किसको दे दिया, मिस्टर पुलकित को दे दिया। फिर आगे फिर देखा जाएगा, केस जैसे ही अगली प्रोसीडिंग शुरू होगी, ट्रायल वगैरह होंगे, तो वहाँ से फिर ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इनको कोई कंपनसेशन वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है। सो आई होप कि आपको ये अब टर्म क्लियर हो चुका होगा। बेसिकली इसमें है कुछ भी नहीं, मतलब कि पहले इंस्टेंस में जब कभी भी ट्रायल मतलब कि फर्स्ट टाइम जब आप कोर्ट में पहुंचते हो, तो वहाँ पे कुछ आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एविडेंस जस्ट देना पड़ता है। वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि आगे की प्रोसीडिंग जो है उसको जज कह दे कि ट्रायल आगे का शुरू किया जा सकता है ना। सो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमा फेसी केस। आई होप कि अभी आपको टर्म क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।